दोस्तों, मैं सुमित चौधरी, सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त के दिन भारत के एक महान वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। आज से ठीक 103 साल पहले 12 अगस्त को इनका जन्म हुआ दोस्तों, एक बंगाली इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में। इनकी फैमिली एक नामी फैमिली थी जिनके कई सारे बिजनेस चलते थे और इनका फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी योगदान रहा था। लेकिन विक्रम साराभाई अपने परिवार की जो परंपरागत शैली है उससे हट के एक कदम चले और अपने परिवार के बिजनेस को तो आगे चल के इन्होंने संभाला ही, लेकिन साथ में भारत के विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। दोस्तों, आज आप इसरो को सभी जानते होंगे, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की एक नामी, एक प्रेस्टिजियस स्पेस एजेंसी है जो कि अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्पेस में लॉन्च करती है, चाहे सैटेलाइट लॉन्च की बात हो, चाहे चंद्रमा या फिर मंगल पे पहुंचने की बात हो, चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की बात हो। इसरो आज के समय भारत के ही नहीं बल्कि कई बड़े देशों के कई सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती है। लेकिन इस इसरो के बनने की अगर कहानी की बात करें दोस्तों, तो इसरो की कहानी में सबसे जो महत्वपूर्ण किरदार थे और जो इसके सूत्रधार माने जाएंगे, वो माने जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसकी फाउंडेशन में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया, इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या जर्नी रही, इसके बारे में हम बात करेंगे। इनकी पर्सनल लाइफ की भी बात करेंगे, इनकी प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करेंगे और इनकी डेथ मिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे कि इनकी जन्म जो हुआ वो तो चलो नॉर्मल तरीके से हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु जो है इनकी, उसके ऊपर कई सारे सवाल या चिन्ह उठते हैं कि इनकी मृत्यु ऐसे आकस्मिक तरीके से कैसे हो गई और इनको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, क्या किसी साजिश के तहत इनको मरवाया गया या इनकी डेथ जो है वो नेचुरल तरीके से हुई, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनका ये 103वां बर्थडे है, इनको हम शत शत नमन करते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले इनके कुछ कोट्स को पढ़ते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में हम जानते हैं जो इन्होंने कहा था। ही वंस सेड, ही हु कैन लिसन टू द म्यूजिक इन द मिड्स ऑफ नॉइज कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। एक व्यक्ति जो शोर शराबे के बीच में भी म्यूजिक को क्लियरली सुन सकता है, वो महान चीज़ों को अचीव कर सकता है। ऐसा क्यों कहा, देखिए दोस्तों, ऐसे मान लीजिए आप मार्केट में निकले हैं, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है लेकिन चारों तरफ से शोर शराबा है, लोगों की आवाज़ें, ट्रैफिक की आवाज़ें, बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या आप उस म्यूजिक को क्लियरली सुन पाते हैं, ये सवाल है। कोई व्यक्ति जो उस म्यूजिक को क्लियरली सुन पाता है, उस शोर शराबे को पूरी तरह से अवॉइड करके, तो इसका मतलब उसका फोकस बहुत बेहतरीन है, उसकी एकाग्रता बहुत ही कमाल की है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी एकाग्रता इतनी कमाल की है, वो बहुत अच्छी चीज़ें कर ही पाएगा, ऐसा मानना था डॉक्टर साराभाई का। उसके अलावा एक चीज़ इन्होंने अंडर अचीवर्स के लिए भी कही, इन्होंने कहा, आई ऑल्सो बिलीव दैट ए पर्सन हु डज नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड डज नॉट हैव ए सेंस ऑफ टाइमिंग कैन अचीव लिटिल। एक ऐसा व्यक्ति जो समय की इज्जत नहीं करता, एक ऐसा व्यक्ति जो टाइमिंग को नहीं समझता, वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता। और आप समझते हैं दोस्तों कि समय तो सबसे बड़ा बलवान है, समय से तो कोई ताकतवर नहीं है, तो जो समय की रिस्पेक्ट नहीं करता, समय उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसके बाद वो ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता। और सिर्फ समय की इज्जत के साथ साथ ही काम नहीं चलेगा, सेंस ऑफ टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ का एक समय होता है, उस समय उसको करोगे तो ही आपको अचीवमेंट्स हासिल होंगे। तो ये इनके कहना था और बहुत ही कमाल की चीज़ें इन्होंने करी हैं। अब इनके बारे में जानते हैं कि कौन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। मैंने आपको थोड़ा तो बता दिया है कि आज इनका 103वां जन्मदिवस है और ये डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ना होते तो आज इंडिया का अपना स्पेस प्रोग्राम ना होता। ठीक है, हो सकता है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम होता और कोई दूसरा वैज्ञानिक इसकी पहल करता, किसी और तरीके से आता, लेकिन समय ज़रूर लगता, उस समय नहीं होता। आप जानते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, साल 1945 के बाद से ही 1950 के दशक से कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और कोल्ड वॉर के एरा में एक तरफ था USSR और एक तरफ था USA और दोनों देशों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था ग्राउंड पे, जिसमें कई जगह प्रॉक्सी वॉर लड़े गए, कई जगहों पे कम्युनिस्ट सरकारों को गिराया गया, कैपिटलिस्ट सरकारों को गिराया गया। लेकिन उसी दौरान एक और रेस भी चल रही थी जिसको बोलते हैं स्पेस रेस। स्पेस रेस मतलब स्पेस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मिशन कौन भेजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स को कौन भेजेगा, चंद्रमा पे पहले कौन लैंड करेगा, मंगल पे कौन जाएगा, ये सब चीज़ें चल रही थी।
लगती तो हैं बचकानी चीज़ें, लगते हैं कि लोग इसके लिए लड़ रहे थे, जॉइंट इनिशिएटिव नहीं कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें चल रही थी उस समय। भारत जो कि रिसेंटली आज़ाद हुआ था 1947 में, एक डेवलपिंग स्टेज में था, एक आप कह सकते हैं संक्रमण काल में था, कि अपना अपनी एक तैयार कर रहा था कि हमें किस दिशा में जाना है। भारत का कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था उस समय पे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इतने विजनरी थे कि इन्होंने भारत सरकार को अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए मनाया, कन्विंस किया। रशिया ने अपना स्पुटनिक लॉन्च किया था साल 1957 में, 1957 में स्पुटनिक लॉन्च किया था इन्होंने अपना उपग्रह। उसके बाद भारत ने भी अपना इसरो का जो प्रोग्राम है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, उसका इसकी नींव रखी थी साल 1962 में। 1962 में एक इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन रखा गया, जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च। ये ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था पहले, लेकिन साल 1969 में, 69 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो, जिसका हेडक्वार्टर आज के समय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। आप दोस्तों ये बताइए आज के समय इनके चेयरपर्सन कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता तो गूगल करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जिस तरीके का इन्होंने काम किया, उसके लिए भारत सरकार ने इनको साल 1966 में पद्म भूषण का पुरस्कार दिया। उसके बाद 1971 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के एक साल बाद साल 1972 में इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया, पोस्ट मोर्टली, मतलब मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं इनके जीवन की, और ये वो फोटो है दोस्तों, ये ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखने के लिए इसका प्लान देख रहे हैं कि क्या कहाँ पे क्या कुछ बनेगा और क्या हमारा आगे का प्रोग्राम रहेगा। ये उस समय की तस्वीर है। अब इनकी अर्ली लाइफ और इनके बर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त 12, आज ही के दिन साल 1919 में अहमदाबाद में एक गुजराती इंडस्ट्रियल फैमिली में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी पॉपुलर फैमिली थी दोस्तों, और इनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे। इनके पिता जो थे अम्बालाल साराभाई, ये एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे उस समय के, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलंथ्रोपिस्ट थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डर जो है आगे चल के साराभाई भी बनते हैं। इनके परिवार ने इनको बहुत कुछ दिया है, एक बढ़िया परिवार से बिलोंग करते थे, अच्छा परिवार था, हर फील्ड में काम करता था। और इन्होंने कई सारी कंपनीज को फाउंडेशन रखी थी साराभाई ने, अम्बालाल साराभाई ने। और इनकी मदर जो थी सरला देवी साराभाई, ये भी एक एक्टिविस्ट थी, ये प्रेसिडेंट थी। देखिए, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय, एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति, मतलब भारतीय कपड़ों को पहनो और विदेशी कपड़ों की एक तरह से बहिष्कार कर दो, उनका बॉयकॉट कर दो। इस एसोसिएशन की सरला देवी प्रेसिडेंट थी। इसका मतलब इनका परिवार जो है वो हर तरीके की एक्टिविटी में था। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया है, इवन इनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। इनके 8 भाई बहन थे टोटल, उसमें 7th नंबर पे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये इनका परिवार था, काफ़ी इनकी रेपुटेशन थी। उसके बाद बात आती है इनकी खुद की शादी और इनके चिल्ड्रंस की, इनके बच्चों की, उनकी बात कर लेते हैं। इनके बाद इनकी जर्नी, हमें साइंस जर्नी और इनके एजुकेशन के बारे में तो पढ़ना ही है। साल 1942 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मृणालिनी से शादी करी। मृणालिनी जो है वो एक क्लासिकल डांसर थी, प्रोफेशनल डांसर थी मृणालिनी। इन्होंने शादी करी, इनसे इनको 2 बच्चे हुए, और ये दोनों बच्चे हैं, इन्होंने भी इनका नाम आगे चल के ऊपर ही किया है, जैसे इनके परिवार में पैसे पहले से चलता आ रहा था। इन दोनों बच्चों में इनकी जो बेटी है उनका नाम था मल्लिका, मल्लिका जो है वो भी पहले क्लासिकल डांसर बनी, फिर वो एक्ट्रेस बनी और एक्टिविस्ट भी रही। और इनके जो बेटे हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय जो है वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट एजुकेटर हैं। इनको 2012 में पद्मश्री का अवार्ड से भी नवाजा गया, और ये भी एक कम्युनिटी बिल्डर हैं बहुत फेमस। तो इनका जो पूरा परिवार है उनका बहुत योगदान रहा है भारत के लिए। और ये एक जैनिज्म जैन थे, जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, राजस्थान के। अगर पहले बात करें इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो राजस्थान से आते थे, जैन परिवार से बिलोंग करते थे डॉक्टर साराभाई और इनका परिवार। तो ये इनका काम था, और उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से अपनी लाइफ को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए डेडिकेट कर दिया। तो ये इनका परिवार है, ये इनके बच्चे हैं, ये बच्चों के साथ आपको खेलते और मौज मस्ती करते हुए भी देखेंगे, और अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेते हुए भी देखेंगे। लेकिन इनके जीवन का एक और भी सच है और एक और हिस्सा है, वो है इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में।
इन्होंने पब्लिकली, इनकी वाइफ बच्चों ने इस बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन एक किताब है, इनकी मेमोरी में लिखी गई किताब है जिसका नाम है कन्फेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। ये 2011 में लिखी गई पुस्तक है। सुधीर कक्कर ने एक बुक लिखी, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कमला चौधरी जो हैं, जो कि एक इंडियन एजुकेटर थी, जो कि डॉक्टर सारा भाई के साथ काम करती थी इनके इंस्टीट्यूशंस में, आगे मैं इनके इंस्टीट्यूशंस की बात आपसे करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो IIMA जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है अहमदाबाद में, जो कि आज के समय एक बहुत ही बड़ा और प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल माना जाता है, आप कैट में बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स लेके आओगे ना, फोड़ के आओगे, तब जाके आपको IIM अहमदाबाद मिलेगा। तो इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर थे एक तरह से विक्रम साराभाई। यहाँ पे कमला चौधरी भी काम करती थी, यहाँ पे वो पढ़ाती थी, और ये इनका एक लंबे समय तक इनके बीच में रिलेशनशिप रहा है। आफ्टर ऑल ये शादीशुदा थे, लेकिन इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, लगभग 20 साल तक ही इनका अफेयर रहा, और इनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि ये लव ट्राइंगल, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्राइंगल बन गया इनके बीच में, कमला चौधरी, विक्रम और विक्रम की वाइफ, इनके बीच में ये ट्राइंगल बना। उसके बाद आगे चल के कमला चौधरी जो हैं वो इनके इंस्टीट्यूशन छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं, ये उनको रोकने के लिए काफ़ी कोशिश भी करते हैं लेकिन वो चली जाती हैं। 20 साल तक ये चीज़ें चलती हैं। तो ये इनके जीवन का एक और हिस्सा है, ये एक अलग शेड है इनके जीवन की। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन में बात करें तो इस व्यक्ति के एजुकेशन की तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है तो पढ़ाई लिखाई में इनका कहीं कहाँ से इंटरेस्ट बना। देखिए, इनके फैमिली जो थी वो शुरुआत से, उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, उनका खुद का एक फुली फ्लेस्ड मैकेनिकल वर्कशॉप हुआ करता था। उस वर्कशॉप में इनके पास लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, फाउंड्री, इवन एक इंस्ट्रक्टर भी होता था जो कि इनको बताता था कि कौन सी मशीनरी किस तरह से काम करती है। तो शुरुआती समय से ही मशीनों में विक्रम साराभाई जी को इंटरेस्ट आने लग गया। फिर उसके बाद विक्रम साराभाई गुजराती स्कूल ऑफ अहमदाबाद में जाके, कॉलेज ऑफ अहमदाबाद में अपनी एजुकेशन करते हैं, स्कूल एजुकेशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट करते हैं। फिर हायर एजुकेशन के लिए साल 1937 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले, और यहाँ पे आप जानते हैं कि एशिया में तो एक तरह से सिनो जापानीज वॉर शुरू ही हो गया था, उस समय ये इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड में जाके कौन सी कॉलेज और क्या ज्वाइन करते हैं, अपनी बीए की डिग्री करते हैं नेचुरल साइंस में, सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सपनों का कॉलेज है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे बेहतरीन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज़ में से शुमार हैं, और यहाँ पे जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने पढ़ाई करी है। तो कैम्ब्रिज में ये गए, कैम्ब्रिज में जाके इन्होंने अपनी डिग्री को करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों पूरा नहीं कर पाए। 2 साल में ही, साल 1939 के सितंबर महीने में, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था यूरोप के अंदर, जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पे स्थिति यह हो जाती है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। उसके बाद इनके पिता जो हैं वो कहते हैं कि बेटा घर आ जाओ, जान रहेगी तो जहान रहेगा, जान है तो जहान है, वो वाली बात है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी या फिर भारत में आके कर लेना। तो ये घर आ जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है वो बीच में रुक जाती है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स इनके मेजोर मेजोर सब्जेक्ट होते हैं, इसी में पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली फिजिक्स में और मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स का साथ में है ही संबंध, तो साथ में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से PhD करनी होती है इनको कैम्ब्रिज से। अब इनको कैम्ब्रिज वापस जाना होता है, और माना जाता है कि कैम्ब्रिज में वापस जाने के लिए इनकी मदद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी करी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक लेटर लिख के कहा, इनको भेजा ब्रिटेन में, कहा कि देखिए ये लड़का बहुत होनहार है, और ये आप जिस तरीके को PhD आप स्कॉलर को ढूंढ रहे होंगे वैसा आपको मिलेगा, तो आपको इसको एडमिशन दीजिए, क्योंकि विक्रम साराभाई के परिवार का रविंद्रनाथ टैगोर जी की फैमिली से भी अच्छा रिलेशन था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इनको परमिशन देती है PhD थीसिस, ये किसके सुपरविजन में करते हैं, डॉक्टर CV रामन के सुपरविजन में करते हैं, ये इनके गाइड होते हैं। CV रामन जैसा गाइड मिलना भी तो बड़ी बात है, भारत के वो पहले वैज्ञानिक जिनको मिला था नोबल पुरस्कार, जिनके जन्मदिवस पे इनको हम क्या मनाते हैं, साइंस दिवस, विज्ञान दिवस मनाते हैं। द इंडियन फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट थे CV रामन, जिन्होंने ISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की स्थापना करी थी। यहाँ पे इनकी मुलाकात भाभा से भी होती है, होमी जांगी भाभा, भारतीय ऑटोमिक एनर्जी के फादर जिनको माना जाता है, ऑटोमिक रिसर्च के फादर जिनको माना जाता है।
उसके बाद इन्होंने 1945 में अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया, दूसरा विश्व युद्ध और इनकी पीएचडी साथ में कंप्लीट हो रहे थे लगभग, और इन्होंने थीसिस लिखा कॉस्मिक रेस इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स पे, इस पर इनका इनका थीसिस कंप्लीट किया गया इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने भारत वापस आए, और भारत आने के बाद जैसे कि इनके पिता थे इंस्टीट्यूशनल बिल्डर उसी तरह से ये भी थे, इन्होंने आके क्या किया कि अलग अलग फील्ड में आके अपने परिवार की देखिए मदद ली और कहा कि देखिए मुझे अपना खुद का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना है, आप मेरी मदद कीजिए। तो साल 1947 में जब ये भारत आए, भारत आज़ाद हो रहा था उस समय, आज़ादी की सांस ले रहा था उस समय, इन्होंने अहमदाबाद में 28 साल की उम्र में अपनी खुद की एक रिसर्च लेबोरेटरी शुरू की जिसका नाम था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको PRLF शॉर्ट में कह सकते हैं। ये 11 नवंबर 1947 को इसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी, ठीक आज़ादी के कुछ महीनों बाद अहमदाबाद में ही रखा इसकी फाउंडेशन। उसके बाद क्या होता है, इनके परिवार का खुद का बिजनेस था, इंडस्ट्रीज़ में थे, और उस बिज़नेस को भी इन्होंने संभाला, उसमें भी एक्टिव रहे, हालांकि काफ़ी भाई बहन थे तो संभालने वाले लोग और भी थे, इनका मेन फोकस साइंस की तरफ होता था। उसके बाद सारा भाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च और एसोसिएशन भी खोला, अपना टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी खोली 1956 में उन्होंने इसके तरफ काम किया। और उसके बाद इन्होंने एक और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट खोला जिसकी हम बात करते हैं, IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये चाहते थे कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। साल 1962 में इसकी स्थापना इन्होंने करी। उसके बाद आती है बात कि इसरो की फाउंडेशन की, इस कहानी को हम जानते हैं। इसरो जो है, इसकी फाउंडेशन रखने की ज़रूरत क्या पड़ी? साराभाई एक ट्रू विजनरी थे, उनका मानना था कि देखिए टेलीविज़न जो है वो बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न की बात है कि स्पेस, आप जानते हैं उपग्रहों के बिना टेलीविज़न भी नहीं चलता, टीवी की के लिए उपग्रहों की सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि एजुकेशन पर्पज़ और इंटरटेनमेंट पर्पज़ दोनों हम इससे सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर हम हर घर टीवी पहुंचा दें। और इनका प्लान था इनिशियली कि कम से कम 500,000 लोगों तक तो गाँवों तक हम ये पहुँचाएँ, कम से कम 500,000 लोगों तक तो हम 500,000 विलेजेस, 500,000 गाँव तक हमें ये पहुँचाना है टेलीविज़न को। और आज आप जानते हैं कि हर घर टेलीविज़न है, लेकिन उसमें विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने इनिशियली ये चीज़ सोची थी। तो विजनरी व्यक्ति थे, ज़बरदस्त आदमी थे। इन्होंने सोचा कि देखिए भारत में लिंग्विस्टिक गैप बहुत है, हर जगहों पे अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं हिंदी है, कहीं मारवाड़ी है, कहीं गुजराती है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं कोई है, अलग अलग तरीके की भाषाएँ बोली जाती हैं। इन्होंने कहा कि वीडियो चैनल एक ही जैसा हो लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से 14 अलग अलग भाषाओं में साउंड्स को हम प्रोवाइड करें टीवी सैटेलाइट्स के थ्रू। बेसिकली ये है कि डबिंग जैसा सिस्टम, प्रोग्राम एक जैसा चल रहा है लेकिन वो अलग अलग भाषाओं में चल रहा है, भाषाएं हैं, डबिंग हो गई हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू हम अलग अलग तरीके की भाषाओं में पहुँचेंगे। तो ये जो था, इसके विज़न के तहत इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने की सोची, और इसके लिए इन्होंने सारा भाई ने डॉक्टर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क साधा और कहा कि देखिए हमें अपना रिसर्च सेंटर डालने की ज़रूरत है, स्पेस रिसर्च के लिए हमारा खुद का होना चाहिए, हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। उस समय डिपेंडेंसी भारत की ज़्यादातर थी रशिया के ऊपर, USSR के ऊपर, मतलब हमें स्पेस में कुछ भी करना होता था, स्पेस से रिलेटेड हमारी कोई भी मदद होती थी तो समय करता था रशिया, कुछ हद तक कभी नासा भी कर देता था, क्योंकि इंडिया उस समय NAM का मेंबर था। NAM मतलब नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, ये मतलब ऐसा गुट था जो कि न तो कोल्ड वॉर में USA की तरफ था ना USSR की तरफ था। इसी वजह से क्या होता है कि USA भी अपनी तरफ लेना चाहता था भारत को, USSR भी लेना चाहता था, लेकिन भारत कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि USSR की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि हमारे जो उस समय की राजनीतिक सरकारें थी उनकी थोड़ी विचारा सोशलिस्ट थी, और सोशलिस्ट का जो आइडिया है वो कम्युनिज्म के थोड़ा करीब होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटलिज्म। अब बात आती है कि उस समय इन्होंने अपना पहला इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया भारत के प्रोग्राम का, जिसका नाम था INCOSPAR, ये फॉर्मुलेट किया, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था, DAE के। DAE उस समय किसके अंडर आता था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अंडर। 1963 में INSCOPAR, ये जो है जो आगे चल के इसरो बन जाएगा, इसने अपना पहला रॉकेट स्टेशन लॉन्च किया, रॉकेट स्टेशन जहां से ये आगे चल के अपने रॉकेट लॉन्च करेंगे, जिसका नाम रखा TERLS। ये बाद में चल के इसका नाम आप जानते हैं कि इनके नाम पे ही हो गया था, जो हमारे साइंटिस्ट हैं
सॉरी सारा भाई इनके नाम पे रख दिया, ये तिरुवनंतपुरम पुरम पेरा अरेबियन सी के कोस्ट पे इन्होंने रखा 1963 में। और ये उस समय की बात चल रही थी, देखिए इन्होंने किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी और विक्रम साराभाई जी साथ हैं। देखिए इसीलिए ये चीज़ क्रेडिट देखिए विक्रम साराभाई को तो जाता ही है, 100% जाता है, लेकिन कुछ क्रेडिट यहाँ पे जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को भी, जिनके विजन यहाँ पे मैच करते थे। वो समझते थे कि साइंस की वैल्यू को जानते थे, इसीलिए उनको कई बार फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, भारत आधुनिक भारत का उनको वो कहा जाता है कि उन्होंने वो बिल्डर थे आधुनिक भारत के। क्योंकि क्योंकि एक नेता क्या करता है, वो अपने जो एक्सपर्ट लोगों हैं उनकी बातें सुनता है, और ये ऐसा इन्होंने किया भी और ये उनके लिए कामयाब भी रहा। तो ये INCOSPAR जो है इसका फुल फॉर्म क्या थी, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये थी। और ये एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी करने का ग्राफ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आपको चर्च दिखता है, मैरीग्लेन चर्च। ये मैरीग्लेन चर्च का क्या योगदान था, इस चर्च के अंदर ही इन्होंने अपना पहला वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया था कि यहीं से हम काम करेंगे ठुम्बा में, और उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग इस्टेब्लिश करी गई थी। तो होमीजांग में बाबा जो हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, जिनको इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। इनकी भी बायोग्राफी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स और HGS मर्फी जो उस समय सिविल सर्वेंट्स थे, स्पेस साइंटिस्ट भी थे, इनको बनाया गया पहला डायरेक्टर TERSL का, जो कि यहाँ का एक तरीके से लॉन्चिंग वाली स्पेस जगह थी। ये होमीजांग बाबा हैं और ये हैं हमारे सारा भाई, दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी, दोनों ने साथ में काम भी किया है कई सारे प्रोजेक्ट्स पे। उसके बाद बात आती है कि अब सारा भाई क्या कर रहे थे, कि हमें क्या करना है, अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो हमें बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थी। तो वो उस समय क्या कर रहे थे, चेयरमैन थे ही नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च के, तो नए नए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को तराश रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कौन लोग इसमें काम कर सकते हैं। उन्हीं में से एक रिक्रूटर थे, रिक्रूटमेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक, और भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और एक साइंटिस्ट R.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 
कौन है? विक्रम साराभाई। लेकिन ये कौन है? अब्दुल कलाम साहब हैं। ये अब्दुल कलाम साहब हैं, इनको ढूंढ लिया था इन्होंने। और इन्होंने कहा था अपनी एक बार कहा कि आई वॉज स्पॉटेड एज ए यंग साइंटिस्ट बाई डॉक्टर विक्रम साराभाई। मैं यंग साइंटिस्ट बना और मेरे में ये काबिलियत है। इस काबिलियत को सबसे पहले पहचान देने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऐसे महान वैज्ञानिकों की खोज भी इन्होंने करी। तो ये भी इनकी लेगेसी है, सोचिए कि किस तरीके का काम आगे चल के हमारे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी ने भी किया है, तो उसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद अर्ली स्ट्रगल क्या है दोस्तों? अर्ली स्ट्रगल ये है कि शुरुआती समय में भारत के पास इतना पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, इसरो मतलब ये जो संगठन था ये अभी बना ही था, तो हमें ज़रूरत पड़ती थी कि हमें कुछ लॉन्चिंग सिस्टम चाहिए। लोन पे नासा ने हमें दिए, कुछ हमें पेलोड्स प्रोवाइड करे CNES ने, जो कि एक फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी थी, इनके पास पैसा था, इनसे हमने कुछ उधार लिया और पैसा लिया, इनसे मदद मांगी। उसके बाद इन हमने अपना पहला रॉकेट पार्ट और पेलोड्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको इकट्ठा तो कर लिया, अब उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना था एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास रॉकेट पॉइंट्स को लॉन्च करने के लिए और उस पर्टिकुलर एरिया तक जाने के लिए प्रॉपर तरीके से साधन भी नहीं थे। गाड़ियाँ थी तो हमारे पास वो नहीं था, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो पूरी तरीके से हमने बुल लॉक कार्ड, जिसमें आप यह जानते हैं कि बुल के एक बैलगाड़ी और बाइसाइकिल जैसे साधनों के ऊपर भी इनको लेके गए हैं। तो ऐसी स्ट्रगल रहा है दोस्तों, ऐसा स्ट्रगल हमारा पोखरण में भी रहा था। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे करी हैं। वहाँ पे स्थिति अलग थी, वहाँ पे तो इस तरह था कि बड़े साधनों को हम ले जा नहीं सकते थे क्योंकि अमेरिका निगरानी रख रहा था। यहाँ पे हमारे पास सच में साधन ही नहीं थे, इसलिए हमें इस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ रहा था। लेकिन इस स्ट्रगल से हमारे वैज्ञानिक पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। और नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट फाइनली लॉन्च हुआ कब? साल 1963 में। इंडिया का पहला वेंचर था, ये फर्स्ट वेंचर था स्पेस में जो कि सक्सेसफुल हुआ 21 नवंबर 1963 को। ये पहला था और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। साल 1969 में इनस्कोपार जो था इसको नाम बदल के इसरो रख दिया गया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया, और आज तक इसका यही नाम है। और आप कई बार देखोगे इसरो की फाउंडेशन कब रखी गई, 1969 में रखी गई, लेकिन ये पहले से 1962 से चल रही थी दूसरा इंस्टीट्यूशन, उसी को आगे चल के नाम चेंज कर दिया गया था। आज इसका लोगो ही
आज तो इसरो को पूरी दुनिया जानती है, हम तो जानते ही हैं साथ में। अब इनकी डेथ की बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी काम किया है, सब क्षेत्रों में काम किया है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करें, लेकिन 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की कार्डिक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। अब कार्डिक अरेस्ट आया, लेकिन अचानक से अरेस्ट कार्डिक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ रहा है। इससे पहले ये ना कोई बीमार थे, ना कोई इनका सिग्नल था, उससे पहले इनको कभी ऐसा कोई अटैक नहीं आया। और अचानक से जब इनकी मृत्यु होती है तो कई लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं कि ये होटल जो था हेलिकॉन्स कैसल, यहाँ पे केरला में इनकी डेथ होती है। उसके बाद कई लोगों ने इनके ऊपर सवाल उठाए। एक इनके कोवर्कर थे, इनके जूनियर थे साइंटिस्ट, इनका नाम था नाम्बी नारायण। ये जो हैं इनके साथ काम करते थे इसरो में, इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में विक्रम साराभाई के बारे में कहा कि ए मैन हु नेवर स्मोक्ड इन हिज लाइफ, ए टी टोटलर, जिस आदमी ने कोई नशा ही नहीं किया, न स्मोक किया, कुछ भी नहीं किया, उसकी ऐसे तरीके से डेथ कैसे हो सकती है। और उसका क्रिमिनेशन जो हुआ, उसकी अंतिम जब उसको ले जाया गया, तो उसमें न तो कोई एटोस्पी हुई, ना उसकी कोई जांच हुई। और इस तरीके का आदमी, इतना महान वैज्ञानिक, उसके इस तरीके से आप उसका अंतिम संस्कार कर देते हो, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते हो, तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा करने वाली बात है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस तरीके की बातें जब होती हैं तो लोग सवाल करते हैं, फिर एक कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज भी बन जाती हैं। क्या चीज़ें होती हैं, हम एक्चुअल में अभी तक पहुँचे नहीं हैं इस नतीजे पे। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई की लाइफ को थ्रेट तो था, ये उन्होंने खुद कहा था एक बार, कमला चौधरी से कहा था कि अमेरिकन और रशियन दोनों मेरे पीछे हैं, वो दोनों मेरे को ऊपर निगरानी रख रहे हैं। और साल 1966 के अंदर डॉक्टर होमी जोगी भाभा की भी जो प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, वो भी एक सवाल वाली बात थी कि कैसे वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ, किस तरह से उसमें दिक्कतें आई। उसके ऊपर भी कई बारी बातें ऐसे होती हैं कि उनको मरवाया गया, ये खुद उनका एक्सीडेंट हुआ। तो कई लोग हैं भारत में, कुछ की लोगों की बात करूँ अगर, देखिए देखिए हमारे दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु के बारे में कई सवाल उठते हैं, इनके ऊपर ताशकंद फाइल जैसे बनी है, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, बहुत ही अजीब तरीके से हुई, पता नहीं क्या कैसे हुआ। उसके अलावा हमारे सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी, वो कैसे गए, कहाँ गए, वो उनकी डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी नहीं पता। उसी तरह से होमी जोगी भाभा और यहाँ पे यहाँ गए विक्रम साराभाई। तो कई लोगों की डेथ को लेकर सवाल बने हुए हैं, कई सारी मिस्ट्री की कहानियाँ बनी हुई हैं। कौन सी पे भरोसा करें, कौन सी पे नहीं करें, हम नहीं कह सकते। लेकिन बेसिकली ये है, वो चले गए 30 दिसंबर 1971 को। उसके बाद ये जो TERLS जो था इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे पहले से वहाँ से मिसाइलें या रॉकेट लॉन्चर की जगह थी, उसका नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रख दिया गया। वो अपने पीछे एक बड़ी लिगेसी छोड़ के गए थे, भारतीय वैज्ञानिकों को एक ऐसा मंच दे के गए थे जहाँ से वो अपने स्पेस प्रोग्राम को, अपने आने वाले समय को देख सकते थे, तराश सकते थे और भारत को एक नई दिशा में ले जा सकते थे। साल 1973 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन जो है, इसका नाम रख के लूनर का, इसका जो लूनर क्राटर था, क्रेटर था, उसका नाम साराभाई क्रेटर रख दिया गया। इसको पहले बेसल ए रखा नाम से जाना जाता था, बेसल ए, इसको साराभाई क्रेटर कहा गया। उसके बाद 2019 में इनकी 100वीं जन्मतिथि जो थी, उसके ऊपर इसरो ने इनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक नया अवार्ड शुरू किया। इस अवार्ड का नाम है विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में जो आदमी अग्रणी काम करता है जर्नलिज्म इस क्षेत्र में, अच्छा पेपर लिखता है, राइटर है, पब्लिश करवाता है पेपर, रिसर्च पेपर्स, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद चंद्रयान जो था हमारा 2019 में जो मिशन था, वो जो कि पार्शली सक्सेसफुल और ज़्यादातर देखें तो अनसक्सेसफुल हुआ था, वो जो प्रोग्राम था, जो मिशन था, उसमें उसका जो लैंडर था, जो जमीन, जो चंद्रमा के ऊपर लैंड करने वाला जो यान था, उसका नाम रखा गया था विक्रम साराभाई। लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया, इवेंचुअली वो फेल्ड हो गया, लेकिन इसका नाम रखा गया था ये इनके नाम पे, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और रिसेंटली दोस्तों 2021 में एक वेब सीरीज़ भी आई थी, रॉकेट बॉय। ये जो रॉकेट बॉय जो वेब सीरीज़ है, ये भी डॉक्टर विक्रम साराभाई और विक्रम डॉक्टर होमी जोगी भाभा के जीवन के ऊपर आधारित है, किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरह से स्ट्रगल किए, क्या काम किए, किस तरह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ चली थी। तो ये आपको सोनी लिव एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। तो इस तरीके के व्यक्ति थे। और फाइनली लिगेसी में आप ये भी देख सकते हैं कि आर्यभट्ट सेटेलाइट जो भारत ने 1975 में लॉन्च किया,
और डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ के 4 साल बाद ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन इस स्पेस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में जो कंट्रीब्यूशन विक्रम साराभाई करके गए थे उसका ये नतीजा थे कि उनके विजन उनकी डेथ के बाद भी सक्सेसफुल हुए। और रशिया की मदद से, रोस्मोसमोड्रोम की मदद से हमने चंद्र आर्यभट्ट को साल 1975 में हमारे पहले सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे। तो ये 1975 में हुआ था। तो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, लेकिन वीडियो का अंत करते करते मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन आ गई है, इसको आप डाउनलोड करें। इसका आप वेब पोर्टल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेंगे। ये आपको फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। और आप अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की सीरियसली घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी हिस्ट्री के कुछ कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर जी की बुक है, ये हमने करी है। सिर्फ आपको 500 रुपीज़ में इसका पूरा कोर्स मिल रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और इन वीडियोस की पीडीएफ, इनसे रिलेटेड आपको टेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे हर लेक्चर के साथ साथ आपको अटैच मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी भी हो सके और आप अपना एनालाइज भी कर सकें और इनके नोट्स भी पढ़ सकें। तो ये सब चीज़ें भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम के साथ जुड़ेंगे हमारे, तो यहाँ पे आपको डेली आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस, रील्स आपको मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, जिनसे आपको छोटा छोटा जो चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज हो पाएगा। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, साथ ही आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी चीज़ें के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट।